भारत माता की जय करने वालों को सम्मान मिलेगा या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग आपके बीच आकर भारत की बर्बादी के नारे लगाएंगे। आपका वोट तय करेगा कि राष्ट्रवाद रहेगा या फिर वंशवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद। साथियों, आज विश्व धरोहर दिवस है। कुलदीप सिंह शहीद अनुज धरोहर इस क्षेत्र में है, पूरे कर्नाटक में है। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को सुरक्षित रखना जरूरी है। आपके आशीर्वाद से मैं ये काम करने का बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथी हमारी परंपराओं का, हमारी संस्कृति को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। यहां जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, जो नामदार के राज दरबारी है, उनका बयान आपने सुना है, उनका बयान सुना है। वो तो कहते हैं कि हमारी आस्था, हमारा मत अफीम की तरह है। ये कैसी भाषा है साथियों? कांग्रेस जेडीएस के नेताओं को सिर्फ एक वोट बैंक दिखता है, उनको जनहित और राष्ट्रहित से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस और जेडीएस की जोड़ी ऐसी है जिसमें जगह जगह झगड़े हैं, हर बात पर मतभेद है, लेकिन चार मामलों पर उनमें बड़ी जबरदस्त सहमति है। बड़ा समय है और वो चार बातें हैं। पहला, राष्ट्रवाद को जी भर करके गालियां देना। दूसरा, वंशवाद को पक्का समर्थन करना। तीसरा, भ्रष्टाचारी शिष्टाचार, यही उनकी परंपरा। और चौथा, सुबह शाम एक ही काम, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली। इसमें इन लोगों में जरा भी विवाद नहीं है, इसमें बराबर है। बाकी हर चीज में झगड़ा करते हैं। भाई और बहनों, चिकोड़ी के, बेलगांव के, कर्नाटक के अनेक सबूत, या तो नक्सलवादियों से मोर्चा ले रहे हैं या फिर जम्मू कश्मीर में आतंक को खत्म करने में जुटे हैं। देश की रक्षा के लिए जाने वालों में गरीब का बच्चा भी होता है, मध्यम वर्ग का बच्चा भी होता है, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री उनका भी अपमान करते हैं। जो भाषा उन्होंने प्रयोग की है, क्या कोई भी स्वाभिमानी देश का नागरिक ये मुख्यमंत्री की भाषा को स्वीकार करेगा? करेगा? उन्होंने क्या कहा था याद है? याद है? उन्होंने सेना में जो जवान जाते हैं उनके लिए ऐसी भद्दी बात बोली, ऐसी भद्दी बात बोली, माथा शर्म से झुक जाता है। देशभक्ति की भावना को भूख से जोड़ते हुए कहते हैं कि सेना में वो लोग ही जाते हैं जिन्हें अपना भूखा पेट भरना होता है। भाइयों बहनों, देश के लिए सीने पर गोलियां खाने के लिए वो जाता है कि पेट भरने के लिए जाता है? ये सेना का अपमान है कि नहीं है? ये जवानों का अपमान है कि नहीं है? कैसा अपमान बर्दाश्त करेंगे आप लोग? कैसा अपमान सहन करेंगे क्या? विशेष तौर पर इस पूरे परिवार को सार्वजनिक जीवन से हमेशा हमेशा हटाना चाहिए।
जी और बहनों, कांग्रेस तो इससे भी एक कदम आगे निकल गई। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर गलती से भी मैं बताता हूं, उन्होंने ऐसा वादा किया है अगर गलती से भी मजबूत सरकार दिल्ली में आ गई तो उन्होंने लिखित में यह कहा है कि वो आपदा का कानून हटा देंगे, यानी हमारे जवान आतंकियों और नक्सलियों से लड़ रहे हैं उनको जो विशेष अधिकार मिलता है, विशेष सुरक्षा कवच मिलता है, इसको कांग्रेस छीनना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि आतंकवादियों के समर्थक पत्थरबाज सैनिकों पर झूठे केस कर सके और हमारे सपूत अदालतों में ही चक्कर काटते रहे। इतना ही नहीं, कांग्रेस एक तरफ सैनिकों का सुरक्षा कवच हटाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ देशद्रोह करने वालों को खुली छूट भी देना चाहती है। कांग्रेस ने देशद्रोह के कानून को खत्म करने का ऐलान करके बता दिया कि उसके इरादे क्या है, क्या इस खतरनाक खेल को आपका समर्थन मिलेगा? आप समर्थन देंगे ऐसे काम करने वालों को? जो कांग्रेस देश देशियों के साथ खड़ी है उसको सबक सिखाएंगे? पक्का सुनेंगे? भाई और बहनों, ये महान मिलावट ये लोग न जवान के हैं न किसान के हैं। मैं जानता चाहता हूं यहां की महान मिलावट की सरकार कभी जवाब नहीं देगी, लेकिन यहां के किसानों को पता है क्या हुआ कर्ज माफी का, क्या हुआ उन किसानों का जिनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकलवा गया था। ये लोग एक तो वादा पूरा नहीं करते और जब यहां के किसान वादे की याद दिलाते हैं तो उनको गुंडा बुलाते हैं, उनका अपमान करते हैं। ये कैसे संस्कार है? भाइयों बहनों, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए हमारी सरकार बने पीएम किसान योजना की शुरुआत की, देश के 3 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है, उनके बैंक खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा क्योंकि यहां की सरकार ने बहुत कम किसानों के लिस्ट में भेजी है। इन लोगों को डर है कि किसान के खाते में पैसा पहुंच गया तो यहां की सरकार को लोग सवाल पूछेंगे, लेकिन आप आश्वस्त रहिए ये ज्यादा देर तक आपका हक रोक नहीं पाएंगे। मैंने ठान के रखा है, जो मैंने वादा किया है, जो बजट में पैसे रखे हैं वो आपके खाते में जमा करके रखना। पुलिस नहीं है, तेईस मई को चुनाव का नतीजा आएगा, याद है ना? 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा, याद है ना? 23 मई को फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तब पाई पाई किसानों के गांव में जमा होगी। इतना ही नहीं, हमने संकल्प पत्र में घोषित किया है कि आप किसान किसान सम्मान योजना का लाभ कर्नाटक के हर किसान को मिले, चाहे कितनी भी जमीन हो। ये संकल्प हमने लिया है। 5 एकड़ भूमि का जो हमने नियम बनाया था, नई सरकार बनने के बाद उस नियम को भी हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही अब हम छोटे किसानों और खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन भी देने वाले हैं। इसी तरह पशुपालकों के लिए भी हमने अनेक कदम उठाए। पशुपालकों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए
पैसे उपलब्ध हो, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। साथियों, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हम व्यापक रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। आपके इस चौकीदार की सरकार ने 22 फसलों का लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय किया है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि आने वाले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 25,00,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। अमरनाथ के प्रचार के लिए नेशनल हाईवे के करीब ही है नेशनल वेयर हाउसिंग ग्रिड भी बनाएंगे। गांव में किसानों को अनाज के भंडारण की सुविधा मिले, इसके लिए ग्राम भंडारण योजना बनाई जाएगी। गन्ना किसानों को भी मुश्किलों का सामना न करने पड़े, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। गन्ने से इथेनॉल बनाना हो या फिर चीनी का समर्थन मूल्य तय करना, अनेक फैसले सरकार ने लिए। भाई और बहनों, ये 5 नदियों से घिरा इलाका है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी यहां के घरों को, खेतों तक पानी नहीं पहुंचा पाए। हमारी सरकार पहले ही अनेक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, अब इसको और विस्तार दिया जाएगा। बीते 5 वर्षों में जिस तरह हमने बिजली के लिए काम किया, अब हम पानी देने के लिए काम करेंगे। और इसके लिए भारत सरकार में अलग से एक नया मंत्रालय बनेगा, उसका नया बजट होगा, उसका अलग मंत्री होगा और वो होगा जल शक्ति मंत्रालय। 16 पंप देने का काम तो हम शुरू भी कर चुके हैं। खेतों में छोटे छोटे 16 ग्रेड लगाकर मुफ्त में किसान भी सिंचाई भी कर पाएंगे और बाकी बची बिजली को किसान बेच भी सकेंगे। साथियों, विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, इस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे सस्ती दवाइयां हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना कर्नाटक के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बहुत आर्थिक लाभ हो रहा है। इसी तरह युवा साथियों को मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी के ऋण दिए जा रहे हैं। इसे गांव गांव में स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं। आने वाले 5 वर्षों में इस योजना को और सशक्त करेंगे। साथियों, एक तरफ विकास का हमारा विजन, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास सिर्फ खोखली घोषणाएं हैं। कांग्रेस और महामिलावट के लोगों के शासन में 3 तरह के विकास होते हैं। कुछ परिवारों का विकास, बिचौलियों और दलों का विकास और महंगाई का विकास। याद करिए, 2014 से पहले महंगाई की स्थिति क्या थी। गरीब और सामान्य परिवार का जीना मुश्किल हो गया था। कांग्रेस आई, महंगाई लाई, ये कांग्रेस का आदर्श वाक्य है। साथियों, चौकीदार की सरकार ने महंगाई की उस रफ्तार पर लगाम लगाई। 10% की दर से बढ़ने वाली महंगाई आज 2-3% तक हमने पहुंचाई है। आप सभी चौकीदारों को चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाने का प्लान तो सामने रख ही दिया है। गरीबों की सब्सिडी खत्म करने की भी योजना बनाई है। वोट के लिए कांग्रेस और उसकी महामिलावट की हर साजिश को हमें नाकाम करना है। आपका एक एक वोट कमल के निशान पर देना है। और भाइयों बहनों, जब आप कमल के निशान पर वोट दबाएंगे, मतलब उंगली दबाएंगे ना, जब आप कमल को वोट देंगे, जब कमल को वोट देंगे तो वो सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाई बहनों, आप मुझे बताइए, 5 साल जिस मजबूती के साथ मैंने काम किया, आप उससे खुश हैं? आपको संतोष है?
पाकिस्तान में घुस करके मारा। आप तो हिंदी है, आप तो सपोर्ट है, हमारे परिवार के घर का बदला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आपका सेना पर भरोसा है, आपकी सेना के पराक्रम पर भरोसा है, सेना की बात पर भरोसा है, लेकिन कांग्रेस वाले हमारे सबूतों पर भरोसा नहीं कर सकते और कांग्रेस के सबूत पाकिस्तान के सबूतों पर भरोसा करते हैं। आइए बहनों, देश तभी चलता है, देश तभी मजबूत बनता है जब सरकार भी मजबूत हो। आप मुझे बताइए, सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश मजबूत बनाना है कि नहीं बनाना है? मजबूत देश बनाने के लिए मजबूत सरकार बनाएंगे क्या? और मजबूत सरकार बनाने के लिए एक चौकीदार को तो मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? चौकीदार मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन भाई बहनों, अकेला मैं चौकीदार नहीं हूँ, पूरा हिंदुस्तान चौकीदार, 120 करोड़ चौकीदार है। आप मेरे साथ संकल्प लेंगे? आप मेरे साथ संकल्प लेंगे? मैं कहूंगा मैं भी हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोल रहा है और पीछे से बोला है, बोलिए मना जो तैयारी हुई। आप बोलेंगे नानू चौकीदार, मक्कड़ मक्कड़ी मणि मणि अलूल भूमि డాక్టర్ ఇంజనీర్ కూడా, శిక్షక్ ప్రొఫెసర్ కూడా, రైటర్ జర్నలిస్ట్ కూడా, కాలేజీలు కూడా, రేతా కార్మిక కూడా, వ్యాపారి కూడా, వకీలు కూడా, విద్యార్థి కూడా, బోలే భారత మాతా కీ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बोलेगा, बच्चे सुस्वास्थ्य का सम्मान बता सकेंगे, धर्म का सम्मान करेंगे, बच्चों के अभी बच्चे